लगभग 8 लाख विद्युत संयोजना के सापेक्ष वर्ष 2017 से अब तक लगभग 20 गुना 165 लाख विद्युत संयोजन निर्गत किए गए। प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से अद्यतन 740 केवी विद्युत उपयोग केंद्र अधिकृत किए गए हैं। 1590 विद्युत केंद्रों की क्षमता वृद्धि की गई। वर्ष 2070 से अद्यतन लगभग 3,53,000 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की भारतीय इकाइयों के कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट के सापेक्ष में वर्ष 2022-23 में 6,190 मिलियन यूनिट अधिक 39,746 मिलियन यूनिट उत्पादन किया गया है। हुई है। वर्ष 2017 तक मात्र प्रति मेगावाट क्षमता के 16 रूपटॉप संयंत्र स्थापित थे। वर्तमान में 328 मेगावाट 16 रूपटॉप है। प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या एवं वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में 40 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसमें अभी तक 10 मेगावाट क्षमता का संयंत्र संचालित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अयोध्या में 10 किलोमीटर लंबे मार्ग को सोलर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु 70,65,000 से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 33,236 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 70,34,000 पथ विक्रेताओं को लगभग 2,376 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण हेतु 280 करोड़ रुपए से कुल 154 योजनाएं स्वीकृत की गई। अमृत 2.0 योजना सभी नगरीय निकाय में लागू की गई है। फेम इंडिया स्कीम 1 तथा फेम इंडिया स्कीम 2 के अंतर्गत प्रदेश में 740 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों का संचालन किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक बसों में CCTV एवं पैनिक बटन की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 247 विस्तारित नगरीय निकायों के मूलभूत आवश्यक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम प्रारंभ की गई है। बंधन योजना के तहत धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख घरों में जलापूर्ति तथा 8 लाख घरों में सीधे संयोजना कार्य पूरा किया गया है। सोलर चरखा वितरण एवं प्रशिक्षण योजना के लाभार्थी को विगत 6 वर्षों में 5,677 सोलर चरखा निःशुल्क उपलब्ध कराया है। माटी कला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संचालित मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना में अब तक 785 इकाइयों की स्थापना में 2,355 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वर्तमान सरकार द्वारा स्कूल अभियान को व्यापक रूप से संचालित किया गया है। इसमें 6 वर्षों में बच्चों के नामांकन में 40 लाख से अधिक की वृद्धि के साथ नामांकन बढ़कर 1 करोड़ 92 लाख हो गए।
अधिकारी हेतु 70,170 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। वर्ष 2023 में 8,373 परीक्षा केंद्रों के माध्यम से मात्र 14 दिनों में बोर्ड परीक्षा संपन्न कराते हुए नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुई है। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य अध्यापक और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार दिया जाता है। मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फुले अम्बेडकर विश्वविद्यालय बरेली एवं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को नेक मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कैटेगरी 1 में श्रेणीबद्ध किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट विकसित किया जा रहा है। अब तक 25,00,000 से अधिक स्मार्टफोन दिया गया है। लगभग 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन और उनमें आधुनिक कार्यशालाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राजकीय ITI की संख्या 260 से बढ़कर 305 और सीटों की संख्या 1,28,000 से बढ़कर 1,72,000 हो गई है।
तहत 27 जनपदों में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में लगभग 1,24,000 हेक्टर क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 49 जनपदों में गौ आधारित खेती भी की जा रही है। ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत 62,200 हेक्टर क्षेत्र शामिल किया गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 51,774 सोलर पंपों की स्थापना की है। लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में माह दिसंबर 2024 में 3,421 एफपीओ का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर 22,75,000 हेक्टर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहरों के पुनरुद्धार तथा सिंचन क्षमता को पुनः स्थापित करने हेतु अब तक 520 करोड़ रुपए की लागत की 80 सिंचाई योजना पूर्ण की गई है। विभिन्न जनपदों में 558 करोड़ रुपए की लागत से 6,600 राज के नलकूपों के आधुनिकरण किया गया है। वित्तीय 17-18 में मार्च में 2023 तक लघु सिंचाई विभाग द्वारा 70,31,000 हेक्टर सिंचन क्षमता का सृजन किया है। भारत सरकार की योजना अटल भू जल योजना के सादृश्य प्रदेश के अवशेष 800 विकास खंडों में समेकित भू जल प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश अटल भू जल योजना लागू की गई है। हथकरघा एवं पावर लूम बुनकरों के स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावर लूम उद्योग विकास योजना शुरू कर दी गई है।
वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में सूक्ष्म उद्यमियों के लिए अधिकतम 5,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत प्रदेश के 45 जनपद में 66 मेडिकल कॉलेज में आच्छादित किए जा चुके हैं। 14 जनपदों में केंद्र सहायक मेडिकल कॉलेज एवं असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है। जनपद महाराजगंज मऊ शामली एवं संबल में निजी निवेशकर्ताओं से अनुबंध पत्र हस्तांतरित हो चुके हैं। 6 अन्य जनपद बागपत हाथरस कासगंज मैनपुरी हमीरपुर महोबा भारत सरकार की VGF योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। सरकारी क्षेत्र में MBBS की सीटों की संख्या 1,840 से बढ़कर 3,828 हो गई है। निजी क्षेत्र में MBBS सीटों की संख्या 2,550 से बढ़ाकर 5,250 की गई है। इस प्रकार सरकारी एवं निजी क्षेत्र में MBBS की कुल 9,000 सीटें उपलब्ध हुई। सरकारी क्षेत्र में PG सीटों की संख्या 741 से बढ़ाकर 1,543 गई, जबकि निजी क्षेत्र में PG सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1,775 हो गई। इस प्रकार वर्तमान वर्ष 2023-24 में PG की कुल 3,318 सीटें उपलब्ध है। इसी प्रकार सुपर स्पेशलिटी सीटों में वर्ष 2016 की 120 सीटों की तुलना में वर्तमान में 130 सीटों की वृद्धि के साथ 250 सीटें उपलब्ध है। राजकीय क्षेत्र BSc नर्सिंग कॉलेजों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 70 किया गया है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा समस्त चिकित्सा संस्थानों मेडिकल कॉलेजों तथा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्कूलों कॉलेजों को संबंध का प्रदान की गई है। Yeah.
1,56,00,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 204 पुस्तक उत्पादन इकाइयों के माध्यम से 43 जनपदों में लाभार्थियों को अनुपूरक पुस्तकाहार उपलब्ध कराया चुका। आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु वर्ग के 80,00,000 से ज्यादा बच्चों को गर्भ पता भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। 2017-18 से 23-24 में अब तक कुल 10,800 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा चुका है। प्रत्येक जनपद में भारत सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसके तहत 10 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। जनपद मेरठ में मेजर ज्ञानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 170 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया है। पंचायत स्तर पर गठित 80,000 युवक महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाती है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों तथा कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को शैक्षिक उत्थान के लिए वर्ष 22-23 में 24,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 3,20,000 का विवाह संपन्न हो चुका है। प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु राज्य सरकार कृतनिश्चित। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्व दशम छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में लगभग 2,070,000 वितरित धनराशि लगभग 98,000 रुपये से बढ़कर 1,64,000 विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है। अब बजट में 2 गुने से अधिक वृद्धि करते हुए 2023-24 में 2,150 करोड़ रुपये से अधिक लगभग 26,00,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत जहां 2070 के पूर्व 70,780 पुत्रियों की शादी में अनुदान दिया गया था, वही 2023-24 में प्रावधान 150 करोड़ रुपये से लगभग 75,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में 10,40,000 दिव्यांग और 1,000 रुपये प्रति माह की दर से तथा कुछ रोग से दिव्यांग हुए 11,000 से अधिक दिव्यांग जन को 3,000 रुपये प्रति माह की दर से स्टाफ पेंशन प्रदान की जा रही है। सरकार प्रदेशवासियों को अपराध एवं गौरव मुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है। समेत क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसे बृहद आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किए गए प्रबंधों की सराहना देश दुनिया से आए अभिनंदन कर रहे हैं। नवीन बीट प्रणाली लागू करते हुए प्रदेश के 1,500 थानों में कुल 15,130 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 10,376 महिला वीटों का आवंटन किया गया है। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे
बस टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 8,54,000 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है। माघ मेला प्रयागराज 2024 में विविध भाषाओं में बात करने वाले विभिन्न प्रांतों के नागरिकों के लिए भाषा अनुवाद की सुविधा भी इंटीग्रेशन 112 में उपलब्ध कराई जा चुकी है। 3 महिला पीएससी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित की गई है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियों तथा 1,41,866 पदोन्नतियों की गई है। आपदाओं में त्वरित कार्रवाई हेतु उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है। राज्य में 6 नाटक थाने व 8 ऑपरेशनल यूनिट्स क्रियाशील है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 6 कंपनियां गठित की गई है। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित है। उत्तर प्रदेश स्टेट लैंड ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ में प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है। स्वामित्व योजना में 90,900 ग्रामों में ग्रामीण आवासीय अभिलेख दरौनी तैयार करने हेतु ड्रोन सर्वे की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया बैन रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भू मानचित्रों का डिजिटलाइजेशन कराया जा रहा है। आपदा राहत कार्यों के डेडिकेटेड टोल फ्री हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। दिनांक 3 अगस्त 2023 को शासन ने जारी करके दान विलेख द्वारा अचल संपत्ति का अंतरण परिवार के सदस्यों के पक्ष में करने का स्टैम्प शुल्क देयता 5,000 रुपये तक सीमित कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में 11,574 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 34,560 करोड़ रुपये अनुदान हुए। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता अधिकतम 10,00,000 रुपये की सहायता का प्रावधान है। प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ भूमि प्रबंधन क्रियान्वयन अनुश्रवण कार्यों में सहभागी का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम में चयनित सुधारी 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्यरत है। लाभार्थी पर योजनाओं के पारदर्शी संचालन के उद्देश्य से एक परिवार एक पहचान योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अध्यासित समस्त परिवारों की एक विशिष्ट पहचान हेतु फैमिली आईडी स्वीकृत की जा रही है। राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में सुगमता के लिए मानव संपदा पोर्टल विकसित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 1,40,000 आवास किए गए, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा अब तक भारत सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 66 आसमियों द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 41,252 करोड़ रुपये आबकारी राजस्व संग्रह किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रदेश के सभी जनपद खुले शौच से मुक्त घोषित कर दिए गए। वर्तमान में मिशन का द्वितीय चरण संचालित किया जा रहा है। अधिवक्ता कल्याण निधि की धनराशि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किए जाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत प्रदेश में 2023 तक लगभग 2,50,00,000 वाद निस्तारित किए गए हैं। वर्ष 2017 के पूर्व 5 वर्ष का खनिजों से प्राप्त होने वाला प्रदेश का कुल राजस्व 4,700 करोड़ रुपये था, जो विगत 6 वर्षों में